हाँ जी मेरे प्यारे आका, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर अमजुल हफीज है और मैं एजाजुल हक मरहूम की अहलिया हूँ और कुरैशी मोहम्मद मतीउल्लाह मरहूम की बेटी और सियालकोट से आई हूँ। मेरा सवाल ये है कि बच्चे की पैदाइश के हफ्ता बाद उसके बाल उतराए जाते हैं। मैंने सुना है कि उसके बालों के वजन के हिसाब से सदका किया जाता है और इससे मुतलिक दो बातें मैं हजूर से मालूम करना चाहती हूँ। आजकल के हिसाब से ये सदका क्या होगा? और दूसरी बात ये कि मैंने ये भी सुना है कि ये बाल दरिया में बहा दिए जाते हैं। हजूर से सवाल करती हूँ कि दरिया में ये बाल बहाने के पीछे क्या हिकमत है? दोनों बातें गलत हैं। किसी के बाल काटने का वजन, उन बेचारे बच्चे के बालों का वजन क्या होगा, उसके बाल के सदका तो कुछ भी ना हुआ। और बाजों के बाल ही पतले पतले होते हैं, छोटे छोटे, तो इसलिए ये बात बिल्कुल झूठी है, ऐसी कोई सुन्नत नहीं है। और दूसरी बात क्या थी आपकी? बिल्कुल गलत है। रसूलुल्लाह सल्लम की तरफ से हरगिज़ ये साबित नहीं है। जी बहुत बेहतर, शुक्रिया मेहरबानी, जज़ाकअल्लाह। चलो जनाब, अकीके की दावत कर देनी चाहिए। अकीके की दावत कर देनी चाहिए। जी बहुत अच्छा। हाँ जी, थैंक यू।